हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज गांव में हैं। गांव में क्या मतलब, मेरे हमारे पेड़ों में हम लोग करवन तोड़ रहे हैं। तो ये पापा के पेड़ों में बहुत सारे लगे हुए हैं, तो इसका अचार बनता है, इसकी चटनी बनती है। तो इसका अचार बनाने के लिए हम लोग इसको तोड़ रहे हैं, और इसका अचार मैंने बनाया भी है और बहुत सारे लोगों ने बनाया है। अब दोबारा से तोड़ा जा रहा है क्योंकि और अचार बनाना है इसका। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये, लेकिन इसमें कांटे होते हैं बहुत ज़्यादा गड़ रहे हैं, जो कि इसमें कांटा है। छू के देखो, ये देखो ना, ये देखो सुई की तरह गड़ते हैं ये। सुई की तरह ऊपर देखो, करोना है ऊपर और लाल लाल है, अच्छे लग रहे हैं। पक रहे हैं, पक रहे हैं। हरे होते हैं, जो पके हुए होते हैं वो लाल होते हैं। अच्छा, ये हरे बनता किसका है? इसी का बनता है। नहीं, लाल वाले का है? दोनों का बनता है, ऐसा नहीं है। काफी अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, छोटे छोटे अब ये छोटे छोटे हैं, और वैसे ये जब बढ़ जाते हैं तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं इस वाले पेड़ के। एक पेड़ और है इससे भी मतलब, लेकिन ये थोड़ा सामने पड़ जाता है, इसका ज़्यादा टूटता है। दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ से दिखाइए, सबको दिखाइए यहाँ से कैसे करवन तोड़े जाते हैं। देखो ये रहा अंदर की साइड है, ऐसे इस तरीके से इसको खींच लो पकड़ के। इतना प्यारा सा फल माने, बहुत बढ़िया अचार बनता है। हाँ, इसका मैंने बनाया, दिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को इसका अचार बनाया हुआ है। देखो प्यारा सा, इसमें दूध होता है, दूध चिपक जाता है हाथ में तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो चिपक रहा है दूध। ये देखिए इतना सारा हमने इसको तोड़ लिया है, और एक एक डोलची पहले तोड़ ली थी, एक अभी तोड़ी है। इसका अचार बनेगा, इसको धो के काटेंगे, फिर धोएंगे और सुखाएंगे धूप में। थोड़ा का कोई तो खड़ी है देखिएगा, पकड़ो ले। तो फाइनली करवन तोड़ लिया। अब इसको छुड़ाने के लिए ना, मतलब इसको छुटवाने, जो दूध लग जाता है उसे हटाने के लिए सरसों का तेल जो होता है उससे लगा के ऐसे मलना होता है, उससे जो दूध छूटता है हाथ साफ होता है। और छोटा सा इसे क्या बोलते हैं, जैसे भैंस का बच्चा है, ये लड़का है, पड़वा पड़वा। इसके सर में दर्द हो रहा था, हमने पता, मैंने इसे तेल लगा के इसका सर दबाया भाई, और इसको आराम मिला, फिर ये बैठ गया। तब से बेचारा मेरा पैर चाट रहा था। ये जानवर भी समझते हैं कि अपनापन क्या होता है। थोड़ा सा तेल दो, बस 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 बस। उसके सरसों का तेल लगा के इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दोगे तो ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही नॉर्मल होके निकलने लग जाएगा हाथ से, समझी। ये होगा, और काफ़ी लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि अचानक से गाँव कैसे चली गई, क्या रीज़न है, अयोध्या आ गई हैं आप। तो ऐसे जो अभी रीज़न है वो मैं अभी डिस्क्लोज कर ही नहीं सकती हूँ कि क्या कारण है, ठीक है ना। कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं जो चल रही हैं, अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी। और अभी मुझे यहाँ पर एटलीस्ट 2-3 महीने रहना है, तो मतलब मैं दिवाली के आसपास यहाँ से जाऊँगी, या दिवाली में भी जो भी हो उस टाइम का, उस टाइम देखेंगे। तो इसलिए वो बीच में दिवाकर जी, डुग्गू, पापा और अमन मुझसे मिलने यहाँ आते रहेंगे हर एक महीने पे, मतलब सब लोग आते जाते रहेंगे। तो और गांव का माहौल है, इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। चाचा वगैरह की फैमिली है बहुत अच्छी है, उधर माई वगैरह की फैमिली है वो भी बहुत अच्छी है, तो सब लोग काफ़ी सपोर्टिव है। तो इसलिए दिन कट जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। डुगू और दिवाकर मुझसे मिलने आए हैं, लेकिन अभी एक परसों चले जाएंगे, सैटरडे को इनकी ट्रेन है, चले जाएंगे वापस दिल्ली, क्योंकि डुगू के स्कूल रीओपन हो रहे हैं, और दिल्ली में चूँकि बाढ़ वाड़ आ रखी है तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत छुट्टियाँ वुट्टियाँ चल रही हैं। तो इसलिए इसको भी एक कारण मिल गया थोड़ा सा रहने का यहाँ पर, नहीं तो फिर कहीं डुगू आ पाता मेरे पास। तो ये सब चल रहा है, और मैं अब आपको अचार दिखाऊँगी अपना, ये अचार जो बनेगा घर पर वो दिखाऊंगी आपको, करवन का अचार कैसे बनता है। अभी थोड़ी देर बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगता है। इधर हमारे पेड़ हैं सारे, तो यहाँ पे बन रही है चाय गर्मा गर्म, ये 10 बजे वाली चाय बन रही है, खाना खाने से पहले वाली चाय हो रही है। यहाँ दूध गर्म हो रहा है, ये भैंस का प्योर दूध है। ये मेरे जो बीच वाले वो हैं, मेरे पापा के बड़े भाई, उनके यहाँ भैंस का मतलब उनके यहाँ भैंस ने बच्चा दिया है,
जो मैंने दिखाया था आपको अभी, और ये उसी का दूध है। तो भैंस दूध दे रही है तो उसका दूध है ये। 1 किलो दूध मैं रोज़ खरीदती हूँ उनसे ये। और बाकी गृहस्थी यहाँ जैसे चलानी चाहिए कोशिश कर रही हूँ चलाने की। तो अपना बनाना अपना खाना और डिपेंडेंसी नहीं है किसी की। तो बस यही है, धीरे धीरे काम चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मिर्ची वगैरह, इनको अब फ्रिज एक्चुअली आज हमारा चलना शुरू हुआ है बिकॉज़ हमने फ्रिज अपना सारा आज वॉश किया है। लाइट प्रॉपर नहीं आ रही थी, बहुत डिम लाइट आ रही थी, मतलब फ्रिज का वाला वोल्टेज नहीं मिल पा रहा था फ्रिज को। तो यहाँ पे हमने देखो फ्रिज अपना पूरा रखा है कि भैंस को देने के लिए राइस रखे हुए हैं, भैंस को देना है। यहाँ पे जानवर हैं, भैंस गाय ज़्यादा हैं तो उनको देने के लिए भी कुछ होना चाहिए। ओके, धीमा कर देती हूँ दूध, तो मेरी टेंशन नहीं रहेगी मुझे। यहाँ पे मट्ठा है, दिखाऊँ आपको, ये भैंस का मट्ठा है, छाछ जिसे हम बोलते हैं प्लेन छाछ। और मैं आपको बताऊँ, ये बगल वाले जो चाचा हैं हमारे, उनके यहाँ से आया है, कुछ चला के दिखाती हूँ आपको। ये तो दूध उबलने वाला है मेरा, और मैं आपको ट्रस्ट में बताऊँ, ये थोड़ा सा दूध मैं ऐड करती हूँ चाय वगैरह में, बिल्कुल थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ चाय में, और मेरी चाय बहुत ज़्यादा गोली हो जाती है, मतलब बहुत गाढ़ा दूध है कहने का मतलब। ये दूध उबला मेरा, बस 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 बस, बंद बंद बंद। अब इसको हम डाल देते हैं इस चाय में, ट्रांसफर करते हैं दूध को। इतना गाढ़ा दूध है, इतना गाढ़ा दूध होता है ना, ये मजा आ जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए मुश्किल से आधा गिलास दूध डाला है मैंने, चाय कितनी ज़्यादा गोरी गोरी सी, सिर्फ दूध की चाय बना दी है। तो ये रहा मट्ठा, मैं आपको जो दिखा रही थी अभी, छाछ मतलब की, और ये भैंस के प्योर दूध की छाछ है, देखिए आप बिल्कुल लाल लाल। और ये चूल्हे पे इतनी पकाया गया है इसको, इतना पकाया गया है इसको कि दूध जो सफ़ेद होता है वो पक पक के लाल हो गया। कंडे पे बेसिकली, कंडे पे पकाया जाता है चूल्हे के ऊपर, और लाल हो गया, उसके बाद लाल लाल दही जमती है, उसको मथा जाता है तो उसमें से छाछ निकलती है, और जो मक्खन निकलता है उससे घी बन जाता है। तो ये है इसका प्रोसेस, इसको हम रख देते हैं, चाय इंजॉय करते हैं अभी तो फिलहाल। चलिए, और लाइट नहीं है अभी, लाइट नहीं है तो गर्मी में, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और लाइट नहीं है, लेकिन ये है कि मौसम जो है ठंडा है, नहीं तो अच्छा लग रहा है, मौसम ठंडा नहीं है, अच्छा लग रहा है। चलो आप सब, स्वागत है आपका सोनिया तिवारी यूट्यूब चैनल में। और देखिए मेरा भी WFA चल रहा है, और मैं यहाँ पे पापा का काम चल रहा है, मैं यहाँ से लॉगिंग किया हूँ। अभी लाइट नहीं है तो जब तक बैटरी का बैकअप है तब तक मैं यहाँ से लॉगिंग करूँगा, और जैसे ही खत्म होगा फिर मैं चला जाता हूँ वहाँ जो सामने घर है वहाँ पे, वहाँ पे उनके पास इन्वर्टर है। वो तो मैंने पहले ही बताया था गाइस, वहाँ पे उनके पास इन्वर्टर है। हाँ, वहाँ पे ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है तो उनके वहाँ लाइट आ जाती है, लाइट आ जाती तो उनके वहाँ लाइट चली जाती है। और ये देखिए अभी मैं कहाँ बैठा हूँ, झोपड़े में, मिट्टी का झोपड़ा है। और यहाँ पे देखिए मशीन है, यहाँ जो है भैंसे लगती हैं, मतलब यहाँ पे चारा उखाती हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारी भैंसे हैं। हाँ, और ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे चारा कटता है ये चारा मशीन, डेली जो है चारा आता है खेत से। ये देखिए घास पूरा बहुत अच्छा, भैंसों के खाने के लिए गाइस, एकदम गवई माहौल है। और यहाँ पे बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, और ये बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ठंडा जगह है, क्योंकि धूप बहुत तेज है। अभी 3-4 दिनों से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो ये जो अभी जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे बहुत ठंडक है। यहाँ पे बहुत सही भैंस है, गाय भैंस है, और एक भैंस से तो बहुत खड़ूस, तो भैंस बहुत खड़ूस होती है आपको पता ही है, लेकिन एक ही भैंस खड़ूस है, मैंने सभी को अपना दोस्त बना लिया। ये यहाँ पे गाय और भैंस में ही डूबा हुआ है,
सिर्फ ये क्या करता है, घास घास उखाड़ता है, ओले जाके चारा खिलाता है सारे भैंसों को। फिर वो दोस्त बन जाती है मेरी और फिर इसकी दोस्त बन जाती हैं। काफी अच्छा लगता है यहाँ पे दोस्ती करने में अच्छा लगता है। और अब हम लोग चले जाएंगे यहाँ से कल कल परसों में चले जाएंगे, जैसे ही हम लोग का टिकट कंफर्म होगा तो हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। डुगू आपको कैसा लगेगा फिर? बहुत बुरा मम्मी के बिना और इनकी मम्मी अभी यहीं पे रहेंगी, बर्थडे तक रहेगी अपनी मम्मी। फिर शेयर करेंगे कि सालू कब आएंगे कब नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें जो है हम शेयर करते रहेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। और मीनवाइल हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ वीडियो आपको यहाँ से मिले और कुछ वीडियो हम ट्राई करेंगे दिल्ली से भी हम लोग बनाएंगे, गाजियाबाद, हाँ गाजियाबाद से भी हम लोग बनाएं, ताकि आप लोग को अपडेट भी मिलता रहे और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी जो वीडियो है वो कंटिन्यू जा रही है, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग कंटिन्यू हैं भी नहीं, बहुत शिकायतें मिलती हैं तो उन शिकायतों को दूर करना है, ठीक है, और वीडियो जो है वो हमें बनाना है, ठीक है। हाँ। आ गया मेरे लिए चाय और ये आलू का, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा इसका, यहाँ पे कुछ अलग ही नाम, आलू कचालू से कुछ ऐसे बोलते हैं यहाँ पे, और ये चाय। तो गाइस अभी हम कुछ दिनों को चले जाएंगे गाजियाबाद में, और आप मेरे को अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा मम्मी के बिना, और मम्मी अपने बर्थडे तक यही यहाँ पे रहेगी, और मम्मी के बर्थडे में हम यहाँ पे आ जाएंगे वापस से, मम्मी का बर्थडे बना के गाजियाबाद वापस चले जाएंगे। लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आए ये कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना। तो गाइस अभी आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।